हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त योगिता और आज मैं रिव्यू करने आई हूँ एक ऐसी चाय का जो कि बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो चाय के शौकीन होते हैं उनको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय भी पसंद होती है कई बार। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी चाय जो कि आपके बजट में आएगी और बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है। मैंने मार्केट में नई चाय देखी तो मैंने सोचा इसका रिव्यू करते हैं। मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए निकुंज की चाय। निकुंज कंपनी का नाम है जिसके ऊपर कई सारे फ्लेवर हैं, जिन फ्लेवर्स के ऊपर एक फ्लेवर है ढाबे वाली चाय, एक है निकुंज की असम टी। 1 kg का पैकेट है जो मैंने बाजार से खरीदा और बहुत ज़्यादा किफ़ायती है, ये बहुत महंगा नहीं पड़ा मुझे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाय, देखिए पूरा 1 kg का पैकेट है। मैंने ये काटा है हुआ इसलिए कि मैंने काट के इसको यूज़ किया है। इसके दाने थोड़े से बारीक हैं, तो बारीक का मतलब ये नहीं है कि दाने बारीक हैं तो चाय बेकार है, चाय बहुत अच्छी है। ज़रा सी पत्ती डलती है और चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है, कोई उल्टा सीधा खुशबू या फ्लेवर नहीं आता है। चाय का टेस्ट एकदम चाय जैसा टेस्ट है जो लोगों को पसंद होता है, मुझे तो बहुत पसंद आई है निकुंज की असम टी। ये देखिए बहुत बढ़िया चाय लगी है मुझे। इसके मैं दिखा देती हूँ खोल के इसके दाने, ऐसे बारीक बारीक दाने हैं। देखिए ऐसा बारीक चाय है, मतलब कि लीफ वाली नहीं है, जैसे बिल्कुल बारीक चाय है। टी बैग के अंदर जो चाय आप देखते हो, टी बैग के अंदर जैसी चाय का जो टेक्सचर होता है वैसे ही टेक्सचर इसका है। उतना बारीक नहीं है, उससे हल्का सा दानेदार है, लेकिन अच्छी चाय है। तो निकुंज की ये मैं चाय लेकर आई हूँ आज रिव्यू करने के लिए। इसके ऊपर जो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट क्वालिटी टी हर पल ताजगी, इसका स्लोगन है, देख लीजिए पास से देख लीजिए आप। और इसकी जो प्रिंट प्राइस है, इसका प्रिंट प्राइस है 1 kg चाय का 220 रुपये। पड़ी है, मैंने इसको मंगाया है, ऑनलाइन परचेज़ किया है, मेरे को ये पड़ी है 180 रुपीज़ की। और इसके अंदर लिखा हुआ है टोटल ऐश 5.49, सोलुब ऐश है 0.17%, वाटर सोलुब ऐश है 71.40%। अंदर एल्कलाइन ऑफ वाटर सोलुब जो होता है 1.33%, मतलब ये सब इसके ऊपर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको ले सकते हो, इसकी डिटेल्स देख सकते हो। देखो ये रखी, वैसे चाय खरीदते टाइम हम ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, बट ये चाय मुझे बहुत अच्छी लगी तो इसलिए मैंने इस चाय का रिव्यू करने का सोचा। और ये जो चाय है इसके ऊपर ये वेजिटेरियन वाला ग्रीन वाला वो भी है जो डॉट होता है ग्रीन कलर का। और जी क्या देखना होता है इसके अंदर, चाय खरीदते टाइम बेस्ट बिफोर 12 मंथ फ्रॉम पैकेजिंग, आप जब से इसको मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से खरीदेंगे उसमें ये 12 महीने तक चलेगी। और गुड डे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, अ प्रोडक्ट ऑफ गुड डे प्रोडक्ट, गुड डे कंपनी का प्रोडक्ट है ये और रायपुर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है या रायपुर में ये बनी है। इसके ऊपर लिखा है असम के चुनिंदा बागान की सर्वश्रेष्ठ चाय जिसका 1 कप आपको दे दिन भर की चुस्ती फुर्ती और भरपूर विश्वास, तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये चाय जो है बिल्कुल किफ़ायती है। 1 kg का पैकेट है, 1 kg का पैकेट काफ़ी टाइम तक चलता है, आई थिंक मेरा तो महीने भर चल जाता है। तो अगर आप लोग भी चाय के शौकीन हो तो इस चाय को ट्राई कर सकते हैं, चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है, चाय का कलर ऐसा ही आने वाला है जैसा बना हुआ, क्योंकि ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय है तो कलर बहुत जल्दी दे देती। तो सर्दी में ये चाय बनकर आ गई है और अब मैं इसको पीने वाली हूँ। परफेक्ट चाय का टेस्ट है, जैसे चाय होना चाहिए बिल्कुल वैसी चाय है। ये एक स्ट्रॉन्ग चाय है, मतलब कि आप, मैंने तो इसमें कम पत्ती डाल के चाय बनाई है, लेकिन आप इसको एकदम कम दूध डालेंगे तो एकदम स्ट्रॉन्ग चाय पीने वालों के लिए तो बहुत बढ़िया चाय है। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, एकदम संतुलित जैसे बोलते हैं ना, एकदम मीडियम टेस्ट है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ अलग सा फ्लेवर नहीं है, सिर्फ चाय की पत्ती का जो टेस्ट होना चाहिए वही टेस्ट है। काफ़ी अच्छी चाय है, आप देखिए इसका कलर दिखाओ, कलर दिखाओ, ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया है और चाय बहुत ही बेहतर होने। तो ये इतनी महंगी भी चाय नहीं है और जो निकुंज की चाय है ये, इसका प्राइस भी बिल्कुल ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक बारी लेंगे तो 1 kg का पैकेट आप इसको ले सकते हैं, और मेरे ख्याल में छोटा पैकेट तो मैंने इसका देखा नहीं मार्केट में, बाकी आप इसका 1 kg का पैकेट लेके एक बार ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चाय है, इन बजट है सबसे अच्छी बात। आजकल हर कोई बंदा बजट की चीज़ें ढूंढता है कि थोड़ा पैसे कम हो और चाय अच्छी मिल जाए या चीज़ अच्छी मिल जाए, तो ये बिल्कुल वही है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, करूँगी किसी चीज़ का रिव्यू। इसी के साथ बाय बाय, टाटा सी यू, फिर मिलते रहेंगे।